राजधानी दिल्ली के बजट को आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है। आज आपको बता दें कि आज राजधानी दिल्ली का बजट पेश होना था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल केंद्र सरकार का ये कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो बजट प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें पूंजीगत व्यय पर बहुत कम जो राशि है वो रखी गई है, जबकि दिल्ली सरकार अपने प्रचार प्रसार यानी विज्ञापन के लिए अपनी राशि को लगातार बजट में दोगुना और तीन गुना करने का जो प्रावधान है वो कर रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया था, एचजी की तरफ से भी यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आखिरकार किस तरीके से केवल बजट का 20% आप पूंजीगत व्यय पर यदि खर्च करेंगे तो देश की राजधानी दिल्ली के जो हालात हैं, जो तमाम तरीके के विकास कार्य हैं वो संभव हो सकेंगे। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे तौर पर यहाँ पर केंद्र को घेरने का प्रयास किया गया। केंद्र को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए कि आज तक ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी राज्य के बजट को रोक दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि आप दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं, क्यों आप हमारे बजट को रोक रहे हैं, बजट को आप पेश होने दीजिए, ऐसा मत करिए, दिल्ली वालों की आपसे गुजारिश है। इसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से बजट को मंजूरी दी जा चुकी है। देखना होगा कब तक ये बजट पारित होता है और इसके बाद क्या कुछ रहता है।